गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे मेरी। अभी ये नई वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए CPO प्री टेस्ट। मैंने कहा था कि 2016 के हम लोग सारे सेट सोल्व करा देंगे। CPO का प्री टेस्ट 2 है आज, बस CPO का 2 है लेकिन सेट 4 है 2016 का। 2016 का जो आज पहला क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि अ सेंटेंस या फिर एक पार्ट और सेंटेंस इज अंडरलाइन, कोई पार्ट अंडरलाइन किया गया है। फोर अल्टरनेटिव आर गिवन, चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं। अल्टरनेटिव मतलब हो सकता है कि ये दिया गया पार्ट भी सही हो। यस, हो सकता है कि दिया गया पार्ट भी सही हो, आपको ये पार्ट भी देखना है ढंग से, और हो सकता है कि ये गलत हो। अगर ये सही है तो आपको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है, गलत है तो आपको इसका आंसर ढूंढना है। इन चारों में से कोई एक आंसर ढूंढना है हमें इसका, देखते हैं। कह रहे हैं कि द स्पीच ही गेव वॉज हाईली इन्फॉर्मेटिव। देखिए, ध्यान दीजिएगा हमेशा इस पेज पर, याद रखिएगा कि स्पीच हमेशा डिलीवर की जाती है, स्पीच हमेशा डिलीवर की जाती है। तो द स्पीच ही डिलीवर, द स्पीच ही डिलीवर, लेकिन एक समस्या यहाँ सामने आ जाएगी आपके, जो कि बहुत बड़ी समस्या है सेंटेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। वो ये है कि सेंटेंस में डिलीवर का डिलीवर्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डिलीवर्ड, जो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सेंटेंस पास में जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूँ इम्पोर्टेंट, अगर आप गेव की जगह कोई दूसरी वर्ब लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, ये बिल्कुल अधिकार है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में आप लगाएंगे, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। पास्ट को प्रेजेंट नहीं बना सकते और प्रेजेंट को पास्ट नहीं बना सकते। आपको सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म की जगह आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होगा। इसलिए आप यहाँ पर डिलीवर नहीं लगा सकते। गिव वैसे नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। मेक भी नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। अब अगर आप उसका अल्टरनेटिव लगाना है तो आप मेड लगा सकते हैं, वरना तो कुछ नहीं। और आप लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द स्पीच ही मेड वॉज हाईली इन्फॉर्मेटिव, जो स्पीच उसने बनाई या दी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फॉर्मेटिव थी। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस, जो कि वोकेबलरी बेस्ड है। वर्ड है स्प्यूरियस, नकली, झूठा, फेक। यस, आपको बताना है यहाँ पर अपोजिट। क्या बताना आपको इसका? अपोजिट। अपोजिट यानी कि ऑथेंटिक, प्रमाणिक, सच्चा, इलेक्टिमेट, नाजायज, मिस्टीरियस, रहस्यमय, डेंजरस, खतरनाक। तो इसका हो जाएगा ऑथेंटिक। अगला वर्ड है आपका पांडेमोनियम। पांडेमोनियम मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला करना। याद रखें आप इसको पांडेमोनियम से ही, पांडेमोनियम याद रखें, पांडे मुनि, पांडे मुनि ओम का जाप करके, पांडे मुनि ओम यानी कि UM को हमने ओम पढ़ लिया, पांडे मुनि ओम का जाप करके वातावरण को शोरगुल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शोरगुल बना रहे हैं। ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, आप इसको भूलेंगे भी नहीं कभी। पांडेमोनियम मतलब शोरगुल, तो पांडे मुनि ओम का जाप करके वातावरण को शोरगुल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला, देखते हैं वर्ड क्या हमारे पास में। पहला वर्ड है पांडर। क्या वर्ड हमारा? पांडर का मतलब होता है संतुष्ट करना के लिए। अगला वर्ड आपका चाउस यानी कि अव्यवस्था। अगला वर्ड है आपका ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना। और अगला वर्ड है आपका पैनिक। पैनिक मतलब भय, पैनिक मतलब भय। फिलहाल यहाँ पे इसका संतुष्ट करता वर्ड हो जाएगा बी, चाउस, अव्यवस्था, शोरगुल, अस्त व्यस्त। यस, नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि नेक्स्ट वर्ड जो है आपका विजिटियस, विजिट्यूट्स, सॉरी माफी चाहूँगा गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। विजिट्यूट्स मतलब उतार चढ़ाव। क्या होता है मतलब? उतार चढ़ाव। हमें बताना है इसका बेस्ट एक्सप्रेस, जो उसके लिए करेक्ट मतलब हो, यानी कि सरप्राइज, आश्चर्यचकित, विजन, मिसफॉर्चून। ये हो जाएगा म्यूचुअबिलिटी। क्या हो जाएगा? म्यूचुअबिलिटी मतलब बदलाव। क्या होता है? बदलाव। आप लिख सकते हैं मीनिंग हाथ तो आती, उन्होंने तो डिक्शनरी आप लोगों के पास होगी ही, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर आपका फिफ्थ, फिट्स एंड स्टार्ट। बड़ा प्यारा आइटम है, जिसका मतलब होता है इरेगुलर। क्या होता है? अनियमित, सॉरी इरेगुलर, अनियमित। हमें बताना है इसका अल्टरनेटिव यानी कि जो उसका करेक्ट मीनिंग हो सकता है। देखिए, ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास रेगुलर देकर के बेवकूफ बने कुछ की है, उसका हो जाएगा अनस्टडी, अस्थिर, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि जब ये नेगेटिव है आईआर लग गया इसका आगे। देखिए
आई आर आई एम आई एन यू एन, ये सभी जो हैं नेगेटिव सेंस देते हैं। तो आपको कोई भी नेगेटिव सेंस वाला एक बार ढूंढना होगा जो आपका अन। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों, तो इरेगुलर यानी कि अनस्टडीज का आंसर हो जाएगा। अब अगला आपका ग्रामेटिकली है क्वेश्चन, फिर से सेवन्थ क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। सिक्स क्वेश्चन वापस जाऊँगा, कह रहा है कि एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड आ गया, द पीपल वर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द डेथ अवे। हाँ, बड़े प्यारे तरीके से इडियम का इस्तेमाल किया यहाँ पे, जो इडियम आपका लाफ अवे, एल ए यू जी एच, लाफ माने होता है हंसना, अवे मतलब होता है दूर करना, यानी कि हंस हंस कर दूर करना, हंस हंस कर दूर करना, क्या दूर करना, अपनी चिंताओं को, केयर्स को। एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड द पीपल वर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द केयर्स अवे, अपनी चिंताओं को लोग बाग दूर करते हैं हंस हंस कर। उससे अगला वर्ड है आपका फ्यूरी, वोकैबुलरी भेज दें, यानी कि उत्तेजना, फ्यूरी मतलब उत्तेजना या फिर उत्साहित होना बहुत अधिक किसी बात को लेकर के, तो ये हो जाएगा एक्साइटमेंट। क्लियर वर्ड दिखाई दे रहा है, एक्साइटमेंट मतलब उत्साहित या उत्साहित होना। एट्स, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, वह व्यक्ति जो बिना किसी गंभीरता के पढ़ाई करता हो उसे बोलते हैं डेलिटेंट, क्या बोलते हैं इसको, डेलिटेंट। नेक्स्ट है आपका फिर से वन वर्ड बहुत ही प्यारा, मेक समथिंग लेस सेवर, किसी चीज़ को बहुत ही कम योग्य बनाना या कठिन बनाना, तो इसका हो जाएगा जो हमारे पास आंसर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारे पास में है पैलिएशन, वन वर्ड है। वन वर्ड के लिए अलग से आप लोग एमबी की बुक से पढ़ सकते हैं, इसके अंदर वन वर्ड दिए गए हैं सभी, बहुत अच्छे वन वर्ड दिए गए हैं, आप इसको खूब ढंग से पढ़ें। और काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर वन वर्ड की वीडियो बना दीजिए आप, तो कोशिश करते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा समय नहीं होता हमारे पास वीडियो बनाने का, बड़े मुश्किल से हम लोग समय चुरा करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो फिलहाल तो यही जो मैं दे पा रहा हूँ काफ़ी है, आगे आने वाले समय में अगर हमें समय लगता है तो हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे वन वर्ड के ऊपर। यस स्टूडेंट, अगला वर्ड है आपका एक्रीमनी, यहाँ पे फिर से वोकैबुलरी आ चुकी है आपके सामने, एक्री मतलब जिसकी भावनाओं में कटुता हो, यानी कि जो इसके अंदर भावना थोड़ी सी कम हो, भावनाओं की कमी बताना है हमें इसका अपोजिट, और यानी कि प्लीजेंट, खुशनुमा, क्योंकि हर्ष माने होता है कठोर, कड़ा, बिटरनेस भी कड़वा, बिटरनेस ऑफ मैनर्स और वर्ड, शब्दों का कड़वा आपने, इनर्शिया फिजिक्स की टर्म है। यस, आपका हो जाएगा प्लीजेंट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लीजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इलेवंथ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारी तरह से बेवकूफ बनने की कोशिश करी इसने, बहुत ही प्यारी तरह से, लॉट ऑफ वाटर हैज़ ओवरफ्लोड द टैंक, ध्यान दीजिएगा लॉट ऑफ को आप लोग क्रॉस टेस्ट में बड़ा फायदा करता है आपका, देखिए कभी भी लॉट ऑफ लिखते या तो होता है अ लॉट ऑफ, या होता है लॉट्स ऑफ, या तो होता है लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, खाली लॉट ऑफ होता है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे या तो लॉट्स ऑफ जो कि नहीं है ऑप्शन में कहीं भी, तो लॉट ऑफ वाटर्स, वाटर का कभी प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, आप उसमें एस या एस नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनमें एस या एस लगाने पर उनके मीनिंग में ही बदलाव आ जाता है, पूरी तरह से मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, उन्हीं में से एक आपको वाटर, वाटर माना होता है पानी, जैसे आपने इसमें वाटर्स करा यानी कैस लगाने की कोशिश करी तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। यस, जैसे कि आपका वर्ड होता है एयर, एयर माने हवा, जैसे आपने इसमें एस लगाने की कोशिश करी तो ये बन जाएगा अफवाह। यस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग एस लगाने के बाद में उनके मीनिंग में जो है बहुत ही तगड़े वाला बदलाव आ जाता है। वुड, वुड माने लकड़ी, अगर आपने यहाँ पे एस लगाने की कोशिश करी तो ये हो जाएगा जंगल। ओके, तो मीनिंग पे डिपेंड रहे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर अगर आप लोग एस या इस लगा रहे तो मीनिंग में ही बदलाव आ जाएगा, ये काउंटेबल नाउन नहीं है भैया, जो प्लूरल बन जाएंगे, टेबल से टेबल्स कर दिया, चेयर से चेयर्स कर दिया, इसलिए।
और लॉट ऑफ करेक्ट है क्योंकि वाटर में फिर एस लगा दिया उसने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है डॉग इट डॉग, बड़ा प्यारा आइडियम, यानी कड़ी प्रतिस्पर्धा। डॉग इट डॉग, कुत्ता कुत्तों काटने दौड़ रहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि बहुत ही हाई फाई कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को काटने को दौड़ रहा हो। तो रथलेसली कॉम्पिटिटिव, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह बहुत ही तुच्छा, एज आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रीफर को कुछ लोग, पहले तो मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि प्रीफर एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। प्रीफर, एल्डर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, अक्सर हमें ऐसा पढ़ाया जाता है बुक्स के माध्यम से भी या टीचरों के माध्यम से भी, कि कुछ कंपेरेटिव डिग्री ऐसी हैं कि जिनके साथ टू आता है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सुपीरियर, ऐसे और बहुत सारे वर्ड है। स्टूडेंट वो ये बोलते हैं कि ये वो कंपेरेटिव डिग्री है जिनके साथ में टू आता है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें कि ये कंपेरेटिव डिग्री है ही नहीं। अगर ये कंपेरेटिव डिग्री होती तो आप इनका मुझे पॉजिटिव और सुपरलेटिव बताइएगा जरूर कमेंट में, ओके कमेंट बॉक्स में आप इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बताइएगा। अगर आपको पता चल जाए तो समझ जाना कि ये कंपेरेटिव डिग्री है, वरना तो नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट डिग्री है, इनको पॉजिटिव डिग्री माना जाता है, इसलिए इनके साथ कभी देन नहीं आता, इनके साथ हमेशा टू आएगा। क्या इनके साथ हमेशा टू, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, तो यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस वोकैबुलरी बेस्ड है। मेंडर, बिना उद्देश्य के भटकना, बिना उद्देश्य के भटकना यानी कि उधर उधर फिरना बिना उद्देश्य के, और देखना कि हमें लगाना क्या है, सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स है, या अपोजिट बताना है हमें इसका। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन, किसी को निश्चित करना, फिक्स करना अपनी जगह पे। रैम्बल, टहलना, रैम्बल माने टहलना। डिप्यूटाइज, किसी के पक्ष में कुछ कहना या बोलना। और डिड्यूस यानी कि निष्कर्ष निकालना, सोल्यूशन निकालना किसी बात का। अब आप लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे डिटरमाइन, क्योंकि वहाँ भटकना है और डिटरमाइन अपनी जगह फिक्स करना है किसी को। यस, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। सी इज टॉल एज मी, ओ गलतियों का भंडार, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस आपके सामने आया है। देखिए पहली बात तो सेंटेंस अगर सही करना चाह रहे हैं तो सेंटेंस इस तरह सही होगा, शी इज एज टॉल एज आई, यानी कि कंपेरेट पॉजिटिव डिग्री से दोनों तरफ एज एज आएगा और मी की जगह हो जाएगा आई। आप दो मिस्टेक एक सेंटेंस में ठीक नहीं कर सकते, जो कि कायदा नहीं है। यस, दो करेक्शन ठीक करने का आपको अनुमति नहीं दी जाती एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए आप इस सेंटेंस के अंदर रहेंगे कन्फ्यूज़न में ही, क्योंकि अगर एज टॉल एज लगाएं तो आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपने अपनी तरफ से एज तो लगा दिया, साथ में आपने बी को भी हटा दिया, तो आप दो एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर टॉल लाइक करें तो यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा। सी इज़ टॉल लाइक मी, हाँ लगभग लगभग मैं इसका आंसर लगा सकता हूँ क्योंकि काम कर रहा है अपना ये पूरा। शी टॉल, सी इज़ टॉल लाइक मी, शी इज़ टॉल लाइक मी, जी बिल्कुल इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे मी गायब कर दिया मैंने, देखा नहीं जान से बच्चों कि अंडरलाइन पूरा मी तक है, और यहाँ पे सी इज़ टॉल एज आई एम, जी नहीं, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। स्टूडेंट मेरी पिछली कुछ वीडियो में पढ़े आप, एज एक कंजक्शन है और लाइक एक प्रपोजिशन, इसलिए इसके बाद सब्जेक्टिव केस और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए यहाँ पे मी आ रहा है और यहाँ पे एज के बाद में लाइक आना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था अभी नोट्स पर अपने। तो फिलहाल मैं ऑप्शन का सी लगा सकता हूँ, हालाँकि सी भी इसका सही नहीं है आंसर, लेकिन मुझे फिलहाल कुछ तो लगाना होगा यहाँ पर, एज ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिलहाल मैं इसका आंसर सी लगा दूँगा। यस, नेक्स्ट देखते हैं हमें करेक्ट स्पेल बताना है, इनमें से कौन सा वर्ड सही लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड है। तो जाएगा पेंटोमाइम, 16 का पहला ही वर्ड सही है, पेंटोमाइम, बहुत प्यारा वर्ड जिसका मतलब होता है गली नुक्कड़ वगैरह पर नाटक वाटक करके कुछ अपनी प्रस्तुति देना। यस, 17 इम्बेकाइल, इम्बेकाइल मतलब मूर्ख ठप, और हमें बताना है अपोजिट। यस, तो डंस भी मूर्ख होता है, ब्रेनलेस, इंटेलिजेंट इसका आंसर हो जाएगा।
क्योंकि डंस में माने वो ब्रेनलेस, जिसके अंदर ब्रेन ना हो, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ वाला व्यक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट। अ पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउडेज, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउडेज। बड़ा प्यारा यहाँ पे इन्होंने सिंटेंस का इस्तेमाल किया है, एक देखिए मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा पेयर में ही चलती हैं, जिनका सिंगल कोई यूज़ ही नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ शूज़ की, तो आप सिंगल का कोई यूज़ ही नहीं कर सकते। सॉक्स यानी कि जुराब की, तो आप सिंगल को यूज़ नहीं कर सकते। सीजर्स यानी कि कैंची, कैंची के अंदर भी होते हैं आपके दो हिस्से, सिंगल उसका बेकार है यूज़ अगर देखा जाए तो, यस इसलिए। टोंग्स यानी कि चिमटा, घरों में खाना बनाने के काम आता है, देखा होगा आपने नॉर्मली। स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, गोगल्स ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स चश्मा गोगल्स या ग्लासेस, यस ये सब पेयर में ही यूज़ होते हैं आपके, इनका आप सिंगल यूज़ कर ही नहीं सकते, इसलिए आप इनका एस आई एस हटा ही नहीं सकते, इनका एस आई एस आप नहीं हटा सकते। लेकिन उसने पीछे कहा अ पेयर, क्या कहा उसने, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, तो स्लीपर्स यानी कि चप्पलें जो कि सिंगल को यूज़ की नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। प्रीपोजिशन के बगैर कुछ नहीं मानते, अब पेयर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि सिंगुलर ही वर्ब है, तो सेंटेंस ठीक है, नो एरर है, कोई एरर इसके अंदर नहीं है। अगला, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं दो तरह के इंग्लिश ग्रामर में, पहले जो वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे लेट वाले। यस इनका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इनका क्वेश्चन टैग बनता है हमेशा विल यू या वॉन्ट यू, दोनों में से कोई भी एक जो मन करे, लेकिन इनका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त लेट के साथ अगर मी हो, हिम हो, हर हो या देम हो, लेट के साथ अगर मी हो, हिम हो, हर हो या देम हो, तो बनेगा विल यू, क्या बनेगा विल यू। लेकिन अगर लेट के साथ में अस हो, लेट्स या फिर एस से हो, लेट अस, तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी। ये क्वेश्चन टैग नाम के चैप्टर में हम लोग काफ़ी अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं, तो यहाँ पे इसका बनेगा लेट्स गो फॉर ए वॉक शैल वी, क्या बनेगा शैल वी, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, बहुत ही प्यारा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई एम डैश ऑन लीव फ्रॉम टुमारो, आई एम डैश ऑन लीव फ्रॉम टुमारो, मैं कल से छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो आई एम प्रोसीडिंग, क्योंकि इसे मार के साथ या तो एनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, हालांकि एनजी फॉर्म सब में ही एस्केप का ऑन होता है बाहर भागना और रनिंग मतलब दौड़ना, तो प्रोसीडिंग ही बड़ा करेक्ट वर्ड बढ़ रहा है यहाँ पे छुट्टी पर जाना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, वोकैबुलरी बेस्ड है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि फोर क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सॉरी माफ चाहूँगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट लिखा गया है, तो यहाँ पर है इलेक्टिमेट ILL, देखिए मेरे साथ साथ आप स्पेलिंग चेक करते चले जाएँ कौन सी बैठ रही है ILL, तो यहाँ पर डबल L नहीं है, इसको बाहर निकाल देंगे, LL के बाद में E आएगा, इसलिए ये बाहर हो गया, दो बाहर चुके, अब EE, फिर GG, फिर I, TI, बस तो फिर ये भी बाहर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा D, इलेक्टिमेट मतलब नाजायज या फिर अवैध। अगला है आपका idiom, ऑल अगोग, बहुत ही उत्सुक होना, उत्तेजित होना, उत्साहित होना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के, तो इसका हो जाएगा एक्सपेक्टेंट। गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने में एक्सपर्ट, बोलने में एक्सपर्ट, एलोकेंट, कोई व्यक्ति बोलने में जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो उसको बोल देते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या बोलते हैं इसको गिफ्ट ऑफ द गैप। अब अगले बताना है कि आपको सही स्पेलिंग कौन सी है, जो कल वाले सेट में भी आया था वर्ड कॉन्शियस यानी कि जागरूक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट, आई शेक हिज हैंड, मैंने उसका हाथ हिलाया जब वो आया और जब वो गया,
चलिए, सेंटेंस जुड़ा है वैन से। वैन दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ता है, वैन दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ने का काम करता है। वैसे भी आगे सेकंड फॉर्म आई भी है, पीछे भी सेकंड फॉर्म आएगी, शेक की जगह शुक हो जाएगा और इसके ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। ओके, बहुत ही प्यारा। चलिए नेक्स्ट है आपका वन वर्ड जैसा, स्ट्रेंज इन अपीयर्स, यानी कि देखने में जो बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा हो, अजनबी लग रहा हो, देखने में जो व्यक्ति अजनबी लग रहा हो उसके लिए हो जाएगा आपका बिजारे, अजीबोगरीब। अब अगला एक वर्ड है, जानवर का नाम है, सुना होगा आपने, गोरिल्ला एक जानवर होता है, GURRILLA। अभी कम देखने को मिलता है वो कैबरेटी है गोरिल्ला। ओके, द मिनिस्टर हैज़ बिन डैश टू द विक्टिम्स, द मिनिस्टर हैज़ बिन डैश टू द विक्टिम्स, यानी कि मिनिस्टर जो है विक्टिम्स बोलते हैं पीड़ित को, किसको बोलते हैं पीड़ित, कहीं किसी तूफान वगैरह में, भूकंप वगैरह में, बाढ़ वगैरह में कोई फंसा हो उनको बोल देते हैं विक्टिम, उसका पीड़ित, क्योंकि किसी व्यक्ति को नहीं पता होता कि बाढ़ आने वाली है, अचानक फंसना, विक्टिम्स। तो जीनियस मतलब उदार, दयालु। यस, द यंग चाइल्ड, द यंग चाइल्ड साइंड अ वेरी स्वीट सॉन्ग, सॉरी सिंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। बिल्कुल, आप पहली बार देख रहे हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि सिंग की सेकंड फॉर्म सिंगड बना दी, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग होती है, तो उसके इसी पार्ट में मिस्टेक है। यस, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इग्नाइट, यानी कि आग लगा देना, जला देना किसी चीज़ को, और हमें बताना है इसका अपोजिट मीनिंग, तो एक्सटिंग्यूश हो जाएगा, आग बुझाना। यस, नॉर्मली लगा होता है फायर एक्सटिंग्यूशर, आजकल जगह जगह लग रहे हैं। इनएडवर्टेंट, अनजाने में, आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, अनइंटेंशनल, अनजाने में, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इंटेंशनल होता है जानबूझकर, क्या तो इंटेंशनल जानबूझकर, किसी काम को जानबूझकर करना इंटेंशनल। लिवली और हाई स्पिरिटेड, लिवली मतलब ऊर्जा से भरा हुआ, या फिर हाई स्पीड का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, विवासियस, जिंदा दिल, बहुत ही उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्पेल कौन सा है और उसको आपको छाटना है। वर्ड नंबर है 33, तो हमारे पास ऑप्शन है मुसली, म्यूजली, मतलब बस सारे वर्ड एक ही हैं, बस आपको करेक्ट ऑप्शन उठाना है, इसमें सेंटेंस वर्ड असली कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो आपका मुसली, यानी कि मुसली बोल देते हैं नॉर्मली कुछ भी ग्रेन वगैरह या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं मुसली। सुना भी होगा आपने मुसली पावर वगैरह कैप्सूल्स वगैरह आते हैं दुनिया भर के। 34 वर्ड आपके सामने है, ये एक ईडियम है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। हालांकि इन्होंने ईडियम पूरा नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे, जो कि पूरा होना चाहिए था। ये आपका इन हार्नेस, आजकल जो हमने पढ़ा है अब तक जो पढ़ा था ईडियम वो पढ़ा था हमने, डाई इन हार्नेस, बस डाई यहाँ से हटा दिया इन्होंने, यानी कि अपने काम पे रहते हुए मर जाना, यानी कि काम पे रहते हुए, इसका मतलब हो गया काम पे रहते हुए, बस हम लोग जो पढ़ते थे वो तो था अपने काम पे रहते हुए मर जाना, अपने काम पे रहते हुए, बस यहाँ पे हो जाएगा अपने काम पे रहते हुए, यानी कि इन ऑफिस। उससे अगला देखते हैं, द मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट अ डैश रिगार्डिंग द इश्यू, द मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट अ जजमेंट, पर तो पहुंचे जिस पर जज पहुंचते हैं, एट एक्शन, यानी कि आपको नाउन लगाना है यहाँ पे, वो भी लगानी है, यहाँ पर जाएगा कॉन्शियस, क्या जाएगा आपका यहाँ पे कॉन्शियस, अराइव एट कॉन्शियस मतलब किसी निर्णय पहुँचना, किसी सोल्यूशन पहुँचना, किसी सहमति पर पहुँचना। अगला, द मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज टू डैश यंग माइंड टू एक्सप्लोर देयर लिबर्टी, जो मिशन है इसका किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो ये है कि यंग जो हैं अपनी एबिलिटी को जो है अपने माइंड की एबिलिटी को एक्सप्लोर कर सके, अपनी माइंड की एबिलिटी को, तो कैटलाइज बड़ा प्यारा वर्ड शुरुआत में ही दे दिया उन्होंने, यानी कि कोई प्रतिक्रिया वगैरह पैदा करना, कैकल ये तो खैर यहाँ पाएगा ही नहीं, इसका मतलब होता है बहुत जोर जोर के हंसना, सर्कुलेट किसी को घुमा फिरा करके कहीं पर लाना, और कम बात यानी कि कम बात ही करना, इसका मतलब यही है, पा जाएगा आपका कैटलाइज, प्रतिक्रिया पैदा करना।
उससे अगला वर्ड है आपका वोकेबलरी बेस, पेनोलोपी यानी के सॉरी पेनोपली, शानदार दृश्य, शानदार दृश्य। और ऑप्शन हमारे पास दो यहाँ हैं दोस्त, आप पीछे लेकिन आंसर आपके सामने ही है। स्प्लेंडेड डिस्प्ले, नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर। नॉट क्लियर मतलब धुंधला, ऑब्सक्योर मतलब। अगला ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपका, बींग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई अवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर। तो सेंटेंस में दो सेंटेंस बने हुए हैं, एक यहाँ तक और एक इससे पहले तक, ये पीछे और ये आगे। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत थी कंजक्शन की, जबकि उसने लगाया बींग दैट, तो यहाँ पे आप कंजक्शन लगाएंगे बिकॉज, यानी कि कंजक्शन तौर पे आप लगा सकते हैं यहाँ पे बिकॉज एज इफ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो बनानी है, बनानी पाइप तक भी कंजक्शन ऑफ रीज़न होती हैं, एक तो कारण बताने के लिए कंजक्शन, और एक होती हैं कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। तो ये कारण बताने वाले शब्दों से पीछे आती हैं सेंटेंस से पीछे, और ये रिजल्ट बताने वाले सेंटेंस से पीछे आती हैं आपकी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, हम अपने स्टूडेंट को कई बार बता चुके हैं इसके बारे में कि एडवाइस जो है, एडवाइस, डिवाइस और प्रैक्टिस, आइस वाले यानी कि सी वाले, और इन्हीं के भाई हैं एक और, एडवाइस, डिवाइस और प्रैक्टिस, एस वाले, ये वर्ब हैं और ये नाउन, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, जिनमें आप ऐसे ईएस, ईडी, आईएनजी, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगा सकते। इसका मतलब गलती आपके इसी पार्ट में, एडवाइस में ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए सी। अब क्लोज टेस्ट आ चुके हैं, फिर से क्लोज टेस्ट को देखते हैं क्या कह रहा है वो क्लोज टेस्ट में। फोर्टी वन कह रहा है कि यू पेड $40 फॉर दिस टेस्ट सेट ऑफ स्टाम्प, सुजन आस्क इन डिसबिलीव। डिसबिलीव मतलब किसी बात पे विश्वास ना होना, किसी बात पे विश्वास ना होना, किसी बात के प्रति प्रति आपको आश्वस्त है यानी कि आपको भरोसा नहीं है। तो मिजरेबल, मार्वलस, एक्सलेंट और यूनिक, अगर मार्वलस, एक्सलेंट और यूनिक होती तो उसको उस पर अविश्वास होता ही ना, यानी कि डाउट होता ही ना, कोई चीज़ बहुत गंदी है तभी उसको डाउट हो रहा है, अरे इसके इतने पैसे लेंगे आप, तो मिजरेबल। अगर कुछ बहुत शानदार, अरे बस इसके इतने से पैसे, तो फिर सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था। तो आस्क इन डिसबिलीफ, इसका मतलब चीज़ बहुत गंदी है जिसको उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। उससे अगला है माइकल पुट द स्टाम्प्स केयरफुली इनटू हिज एल्बम, इट वाज नो डैश टेलिंग सुजन, इट वाज नो डैश, इट वाज नो अवेल, बेनिफिट, यूज, मैटर, इट वाज नो यूज, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मिजरेबल मतलब अपनी दयनीय स्थिति में बहुत बेकार हो चुकी है, इसलिए क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि नो यूज़ आएगा। इट वॉज नो यूज टेलिंग सुजन अबाउट द प्रीसियस स्टाम्प कलेक्शन, शी लाइक्स ऑल गर्ल्स इज ओनली इंटरेस्टेड इन, वह भी और लड़कियों की तरह इंटरेस्टेड थी किस चीज़ में, पीरियोडिकल, ग्लोसी, मॉडर्न या ब्लिट्स। तो ग्लोसी मतलब उन चीज़ों में जो चमकदार होती थी, ग्लोसी फैशन। मैगजीन्स विद पाउटिंग वुमन इन, पाउटिंग मतलब आजकल चल रहा है बड़ा क्रेज मुंह बना करके फोटो खिंचवाने का, तो पाउटिंग वुमा इन डैश, सिल्की, शाइनी, टेंडर या डिज़ाइनर। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है टेंडर, और चौथा ऑप्शन है वो है डिज़ाइनर। यस, तो कपड़ों की अगर बात हो तो कपड़े के लिए आप लगाते हैं डिज़ाइनर क्लोथ्स, क्या लगाते हैं। अब अगला बैठता है डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड डैश लाइक, ऑप्शन हमारे पास में एसोसरीज, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे 45 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, एसोसरीज, टॉपिक्स, टॉपिक्स तो होने से रहा, ज्वेलरी या फिर टॉपिक्स, सॉरी आर्टिकल्स,
यस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वुमन इन ड्रेस क्लॉथ एंड आर्टिकल्स वस्तु। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको पसंद आएगी वीडियो। अभी बाहर कोई गाने चल चुके हैं कि आवाज़ साथ आपको आ रही होगी, डिस्टर्ब होगी वीडियो, लेकिन खुशी की बात यह कि वीडियो ख़त्म हो चुकी है, पूरी बन चुका है लेक्चर पूरा। आप लोग इस वीडियो को देखें, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेट सॉल्व करने वाले हैं CPO प्रीटेस्ट 5। बस आप लोग उसको शेयर सब्सक्राइब करते रहें जो ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ये पूरी बुक निपटा पाएँ। ओके स्टूडेंट, चलिए फिलहाल हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट। आनंद लीजिए आप म्यूजिक का, मैं भी चल रहा हूँ बस अब।